तो दोस्तों कल जो है वो मानसून 2020 केरल के अंदर जो है वो प्रवेश कर गया, जिसके कारण दक्षिणी भारत के अंदर जो बारिश की गतिविधियां हैं वो बढ़ने का अनुमान आगे आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों के लिए जो है वो लगाया गया है। साथ ही साथ उत्तरी भारत के अंदर बात की जाए तो पश्चिमी विक्षोभ के अंदर जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के अंदर जो है वो बढ़ सकती है। इसके साथ साथ में बात करें तो पूर्वोत्तर भारत के अंदर भी एक ट्रफ रेखा बनी हुई है, जिसके कारण से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं वहाँ पर बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो बढ़ सकती है। और यहाँ पर जो राहत की खबर ये है कि लू की कहीं ना कहीं उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र थे यानी पंजाब, हरियाणा, साथ ही साथ राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो बनी हुई थी लू की स्थितियाँ, उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है वो राहत मिल सकती है, या लू की आप कह सकते हैं कि कम से कम एक हफ्ते के लिए यहाँ पर जो है वो छुट्टी सी हो गई है। साथ ही साथ बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो है वो एक दो राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर अभी भी जो है वो लू की स्थितियां बनी हुई है, इसके बारे में भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। वहीं टिड्डियों का भी कहर जो है वो बात करें खासतौर से राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, पंजाब, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों के अंदर और गुजरात के कुछ क्षेत्रों के अंदर जो है वो बरपा है, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो फसलों को हुआ है। तो फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखना ताकि अगर आपके राज्य के बारे में भी मौसम विभाग के द्वारा जो मौसम से संबंधित अलर्ट जारी किया गया है या जो बारिश का अनुमान लगाया गया है इसके बारे में आपको जो अपडेट है वो मिल पाए। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखना कि आप जो है वो भारत के अंदर किस राज्य से, किस ज़िले से बिलोंग करते हैं और किस तरह का जो मौसम है वो आपके एरिया के अंदर बना हुआ है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मानसून 2020 की स्थिति की, क्योंकि ये जो है वो मौसम की जानकारी देने के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो है वो फैक्टर है कहीं ना कहीं। इसके साथ साथ में यहाँ पर हम बात करेंगे उत्तर भारत के अंदर भी जो अभी सिस्टम बना हुआ है यानी पश्चिमी विक्षोभ के बारे में भी, और साथ ही साथ पूर्वी भारत के अंदर भी जो ट्रफ रेखा बनी हुई है उसकी वजह से भी काफ़ी राज्यों के अंदर जो बारिश की गतिविधियां हैं वो बढ़ सकती है। तो सबसे पहले यहां पर देखा जाए तो मानसूनी ट्रफ जो है वो यहां पर केरल के अंदर प्रवेश कर चुकी है, यानी मानसून केरल के अंदर प्रवेश कर चुका है, जिसकी वजह से बात की जाए तो केरल के अंदर जो है वो बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसके साथ साथ में बात करें तो तमिलनाडु का भी मौसम यहाँ पर जो है वो बदल सकता है, यहाँ पर भी जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो तेज़ होने वाली है आगे वाले कुछ घंटों के अंदर। साथ ही साथ कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के भी खासतौर से दक्षिणी जो ज़िले हैं वहाँ पर बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। साथ ही साथ बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो गोवा के तटवर्ती इलाकों के अंदर भी जो बारिश का अनुमान है वो लगाया गया है। लगभग पूरे गोवा के अंदर जो मौसम है वो बदल सकता है, और यहाँ पर अगर मौसम के बारे में बात करें तो बारिश भरा मौसम जो है वो इन 400-500 राज्यों के अंदर जो है वो रह सकता है। इसके साथ साथ में आंध्र प्रदेश के हालांकि जो उत्तरी ज़िले हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो बारिश की संभावना इस क्षेत्र के अंदर नहीं है। इसके साथ साथ में बात की जाए तेलंगाना की तो तेलंगाना के दक्षिणी जिलों के अंदर हल्की बारिश का अनुमान लगाया गया है, जबकि महाराष्ट्र के भी तटवर्ती इलाकों के अंदर खासतौर से बात करें तो बारिश की गतिविधियां जो है वो आज से शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे महाराष्ट्र के अंदर भी, पूरे महाराष्ट्र के अंदर लगभग अगर बात की जाए तो बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो आगे आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों के अंदर जो है वो बढ़ सकती है। तो जो लू के हालात बने हुए थे और जो गर्मी बढ़ी हुई थी खासतौर से महाराष्ट्र के अंदर, तो उसके अंदर जो है वो राहत की खबर आपको जो है वो आगे आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों के अंदर जो है वो देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पर ओडिशा राज्य के अंदर भी जो है वो हल्की बारिश का अनुमान लगाया गया है, खासतौर से उत्तरी ज़िलों के अंदर कुछ तेज़ बारिश भी जो है वो देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वो ना तो ट्रफ रेखा का यहाँ पर जो है वो पड़ने का अनुमान है, ना ही यहाँ पर जो है वो और किसी लोकल सिस्टम की वजह से बहुत ज़्यादा बारिश का अनुमान जो है वो उड़ीसा के अंदर लगाया गया है। एक ट्रफ रेखा जो है वो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से होती हुई यहाँ पर बिहार के दक्षिणी ज़िले, और ख़ासतौर से बात करें तो यहाँ पर जो है वो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के उत्तरी ज़िलों के अंदर जो है वो बनी हुई है, जिसकी वजह से बात करें तो यहाँ पर बिहार के खासतौर से जो है वो उत्तरी और पूर्वी ज़िलों के साथ साथ में अभी जो है वो दक्षिणी ज़िलों के अंदर भी, यानी आप कह सकते हैं कि पटना के अंदर, नालंदा के अंदर, नवाडा, गया और औरंगाबाद सहित आसपास के ज़िलों के अंदर बारिश की जो गतिविधियां हैं वो शुरू हो जाएंगी। पूर्वी बिहार के अंदर यानी पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, किशनगंज, अररिया और आसपास के ज़िलों के अंदर भी बारिश जो है वो जारी रह सकती है। इसके साथ साथ में उत्तरी बिहार के अंदर भी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, मुजफ्फरपुर और आसपास के ज़िलों के अंदर तेज़ बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। तो पूरे बिहार के अंदर भी आप कहें तो जो है वो यहाँ पर अच्छे
अच्छी खासी बारिश का अनुमान आगे आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों के लिए जो है वो लगाया गया है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो उत्तर भारत के अंदर पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसका प्रभाव जो है वो देखने को मिल सकता है। इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी जिलों के अंदर, यानी आप कह सकते हैं सहारनपुर के अंदर, मुजफ्फरनगर के अंदर, मेरठ के अंदर, एटा, मुरादाबाद और आसपास के जिलों के अंदर तेज़ बारिश और कहीं कहीं जो है वो ओलावृष्टि भी जो है वो हो सकती है। साथ ही साथ बात की जाए तो पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है उसके मौसम की, तो यहाँ पर जो है वो महाराजगंज के अंदर, कुशीनगर के अंदर, आजमगढ़, वाराणसी और मिर्ज़ापुर के अंदर भी बारिश का अनुमान लगाया गया है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश के अंदर भी मौसम की जानकारी के बारे में बात करें तो यहाँ पर चित्रकूट के अंदर, साथ ही साथ जो है वो मिर्ज़ापुर के अंदर, रायबरेली के अंदर, कानपुर के अंदर जो बारिश की गतिविधियां हैं वो देखने को मिल सकती है। लखनऊ के अंदर भी हल्की से मध्यम बारिश का जो अनुमान है वो आगे आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों के लिए जो है वो लगाया गया है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के केवल कुछ पूर्वी जिलों के अंदर, यानी सिंगरौली के अंदर, साथ ही साथ रीवा के अंदर और आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी यहाँ पर बात करें तो नीमच, मंदसौर, रतलाम, साथ ही साथ झाबुआ, इंदौर और आसपास के जिलों के अंदर हल्की बारिश का जो अनुमान है वो लगाया गया है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों राजस्थान राज्य की, तो राजस्थान के अंदर जो उत्तरी राजस्थान के ज़िले हैं, यानी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, इन ज़िलों के अंदर खासतौर से बात करें तो ओलावृष्टि भी पिछले घंटों कुछ घंटों के अंदर जो है वो रिकॉर्ड की गई है, खासतौर से गंगानगर के अंदर, और आगे आने वाले लगभग 24 घंटों के अंदर भी यहाँ पर जो बारिश का मौसम है वो बना रहेगा। उत्तरी राजस्थान के अंदर यानी गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, इन ज़िलों के अंदर, साथ ही साथ जयपुर और आसपास के ज़िलों के अंदर, यानी जयपुर के अंदर, अजमेर के अंदर, साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो धौलपुर के अंदर, भरतपुर के अंदर, और इसके साथ ही बात करें तो अरावली रेंज के बाकी जितने भी ज़िले हैं, यानी पाली के अंदर, राजसमंद के अंदर, जालोर के अंदर, अजमेर के अंदर, तो इन ज़िलों के अंदर भी कहीं कहीं जो वो तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है। जबकि पश्चिमी राजस्थान के अंदर भी, यानी जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, इन ज़िलों के अंदर भी हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं जो है वो तेज़ धूल भरी आंधी का भी जो अनुमान है वो लगाया गया है। दक्षिणी राजस्थान के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ यानी हाड़ौती क्षेत्र के अंदर भी, और उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ यानी दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अंदर भी हल्की से मध्यम बारिश और साथ ही कुछ स्थानों के ऊपर जो है वो तेज़ आंधी जो है वो चलती हुई देखने को मिल सकती है। तो राजस्थान के अंदर भी बात की जाए तो आगे आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों के अंदर जो मौसम है वो कहीं ना कहीं जो है वो नरम बना रहेगा या सुहाना बना रहेगा। लू से राहत का जो अनुमान है वो लगाया गया है और तापमान के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कमी आ सकती है, खासतौर से उत्तरी राजस्थान के अंदर जहाँ पर कि ओलावृष्टि हुई है, ज़बरदस्त तापमान के अंदर जो है वो कमी आ सकती है। शाम के और रात के समय जो है वो ठंड का एहसास भी कहीं ना कहीं जो है वो कुछ क्षेत्रों के अंदर हो सकता है, तो ये कहीं ना कहीं राहत की खबर भी आप जो है वो कह सकते हैं। वहीं गुजरात के अंदर दोस्तों बात की जाए तो गुजरात के दक्षिणी जो तटवर्ती इलाके हैं और राजस्थान से जो सटे हुए इलाके हैं वहाँ पर कुछ स्थानों के ऊपर हल्की बारिश हो सकती है। बाकी गुजरात के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो बारिश की संभावना यहाँ पर अभी कम से कम 24 घंटों के लिए जो है वो नज़र नहीं आ रही है। इसके साथ साथ में बात करें यहाँ पर पंजाब और हरियाणा राज्य की, तो पंजाब के जो उत्तरी ज़िले हैं यानी पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, अमृतसर, तरन तारण, जलंधर और आसपास के ज़िलों के अंदर तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है। जबकि फिरोजपुर, फाजिलका, मुक्तसर, बठिंडा, संगरूर, पटियाला और मानसा सहित आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जो है वो लगाया गया है। इसके साथ साथ में बात की जाए तो हरियाणा के भी जो उत्तरी ज़िले हैं यानी अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा और आसपास के ज़िलों के अंदर तेज़ बारिश, जबकि दक्षिणी और मध्यवर्ती हरियाणा के जो ज़िले हैं यानी जींद, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, इसके साथ साथ में जो है वो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हिंसार, इन ज़िलों के अंदर जो है वो हल्की बारिश का जो अनुमान है वो लगाया गया है। यानी दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मौसम के अंदर यहाँ पर भी जो है वो बदलाव देखने को मिला है। दिल्ली वेदर की यहाँ पर अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर भी जो है वो आगे आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों के अंदर बारिश की गतिविधियाँ जो है वो कुछ क्षेत्रों के अंदर आपको
जो देखने को मिल सकती है। दिल्ली के अंदर भी बादलों की आवाजाही के बीच में कुछ स्थानों के ऊपर तेज़ बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि कुछ स्थानों के ऊपर जो है वो तेज़ आंधी भी जो है वो चलती हुई देखने को मिल सकती है। यानी दोस्तों ओवरऑल बात की जाए तो अभी लगभग पूरे भारत का जो मौसम है वो बदल गया है। यहाँ पर कुछ शुष्क इलाके जो केवल रह सकते हैं वो यहाँ पर गुजरात के अंदर, कुछ महाराष्ट्र का क्षेत्र, इसके साथ साथ में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये राज्य जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश की जो संभावना है वो नहीं है। बाकी लगभग सभी राज्यों के अंदर, चाहे आप बिहार की बात करें, झारखंड के भी, पूर्वी जिलों के अंदर और पश्चिम बंगाल के अंदर भी बारिश का अनुमान लगाया गया है, तो बाकी लगभग पूरे भारत के अंदर जो है वो हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। और इन राज्यों के अंदर भी, यानी महाराष्ट्र के अंदर भी जो है वो बारिश एक दो दिनों के अंदर, या आप कह सकते हैं कि कुछ क्षेत्रों के अंदर तो कुछ घंटों के अंदर ही शुरू हो जाएगी, और बाकी लगभग पूरे महाराष्ट्र के अंदर बात की जाए तो दो तीन दिनों के अंदर बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो शुरू हो सकती है। तो ये यहाँ पर जो है वो अच्छी अपडेट निकल करके सामने आ रही है, लू से जो है वो राहत आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो है वो मिल सकती है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए, चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।